लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, खुश हैं। अल्लाह पाक आप सब लोगों को भी खुश रखे, आमीन सुम आमीन। जी तो आज मैं जो वीडियो बनाने लगी हूँ वो है स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर। मैंने पहली वीडियो में बताया था पहले कि मैं अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं जो घर में यूज़ करती हूँ वो मैं आपको दिखाऊँगी, डिटेल में बताऊँगी और उनके जो प्राइजेज हैं वो भी बताऊँगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपनी प्रोडक्ट्स की तरफ। जी तो ये चीज़ें हैं मेरी जो मैं घर में यूज़ करती हूँ, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है इनकी, बहुत कम प्राइस है इनकी, बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है ये, आप लोग भी इजीली ले सकते हैं, मार्केट्स में इजीली अवेलेबल हैं ये, कोई हाई कॉस्ट नहीं है इनकी। तो मैं सब चीज़ें एक एक करके आपको दिखाती हूँ, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले जो है मैं ये दिखाऊँगी आपको, ये तो हर किसी के घर में नॉर्मली होता ही होगा और ये लाजमी नहीं है कि आप फेशियल के लिए ही यूज़ करें, आप ये नॉर्मल डेज़ में भी, दिन में जितनी बार आप बाहर जाएं, बाहर से घर आएं तो आप ये हल्का सा एक दो स्प्रे कर लें। सो ये बहुत अच्छा होता है, रिफ़्रेशिंग होता है, स्किन को अच्छा रखता है ये। सन ब्लॉक्स वगैरह की भी अगर आप लोग इसको यूज़ करें डेली तो मेरे ख्याल में तो नहीं ना सन ब्लॉक्स की भी ज़रूरत पड़ने वाली ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और बिल्कुल चीप प्राइस हैं इसके। मैंने जब लिया था ये तो ये देखिए प्राइस इसकी यहाँ पर ये 100 रुपीज़ का था और अभी जाके जो है ये 120 और 150 में सेल होना शुरू हो गया है, क्योंकि आप सबको पता है प्राइजेज जो हैं वो बढ़ गई हैं। ये मैंने लिया था, ये इसको भी 2 महीने हो गए हैं लिए हुए, क्लिनजिंग मिल्क लिया था, बहुत अच्छा है, थोड़ी सी क्वांटिटी में काफ़ी अच्छी क्लिनजिंग हो जाती है इसकी। और इस ये भी कोई ज़्यादा नहीं था, ये मैं करीब से दिखा देती हूँ, ये भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, ये बिल्कुल चीप प्राइजेज हैं इसकी। मैंने आई थिंक इसको 250 में लिया था, 250 और 300 के बिटवीन मैंने इसको लिया था, अभी मे बी आई थिंक प्राइजेज बढ़ गई हूँ, पर मैंने जब लिया था वो इस 250 और 300 के बिटवीन में था ये। अगर आप ये ना लें तो कोई मसला नहीं है, आप घर में भी जो भी कोई लोशन वगैरह होते हैं, बेबी लोशन होते हैं या पॉन्ड्स वगैरह होता है, जो भी होता है उससे भी क्लिनजिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको भी थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके आप फेस पे लगाइए और थोड़ा थोड़ा पानी हाथ पे गीला करता जाएँ और इसको आप अच्छे से क्लिनजिंग कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये सामने ही रखा था कि चाहें तो ये ले लीजिए आप, नहीं तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये है टोनर, ठीक है, सो ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, पोर्स जिनके ओपन होते हैं, मेरी स्किन पे, मेरे फेस पे जो हैं वो पहले मेरी एक्नी थी और ओपन पोर्स भी काफ़ी हैं, सो टोनर मैं इसलिए यूज़ करती हूँ। ऑल स्किन टाइप है ये देख लीजिए आप, ये भी मैंने 250 और 300 के बिटवीन लिया था, हल्की सी क्वांटिटी आप कॉटन बर्ड वगैरह होती है उस पर लेके और हल्का हल्का सा जो है वो अपने फेस पर टैप कर लीजिए, हाथ में लेके नहीं लगाना, बस हल्का सा टैप करना है, बहुत अच्छा टोनर है, उसकी जो स्मेल है वो भी अच्छी है। ये है मास्क, इस मास्क को इन ये जो मास्क और मेरा जो स्क्रब है ये इनको काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि और ये काफ़ी टाइम से चल रहे हैं ना मेरे, थोड़ी सी क्वांटिटी में जो है वो क्लेंज स्क्रब हो जाता है और मास्क की जो है वो हल्की सी लेयर लगानी होती है। सो मैं जस्ट मैं ही सिंगल यूज़ करती हूँ तो मेरा जो है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है। ये वाइटनिंग मास्क है, ये 150 ml, जब मैंने लिया था ये तो ये मैंने 400 के बिटवीन में लिया था, पर अभी जो इनकी प्राइजेस हाई हो गई हैं तो आप मार्केट से टच करके देख सकते हैं, पर ये कि रिज़ल्ट अच्छा है इनका, मैं इजीली आराम से घर में यूज़ कर लेती हूँ। और ये है स्क्रब, एप्रिकॉट का ये स्क्रब है, ये जो मेरी जो सारी प्रोडक्ट्स हैं ना ये को ऑल स्किन टाइप है ना, कोई भी यूज़ कर सकता है, ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, जैसे भी स्किन हो सब यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी मैंने 500 के बिटवीन में लिया था, पर अभी जो इनकी जो प्राइजेज़ हैं वो आई थिंक 700 और 800 हो चुकी होंगी, मेरा अंदाज़ा है, मैंने मार्केट में अभी पूछा नहीं है, पर ये के प्राइजेज जो हैं वो हाई हो गए होंगी। और एक जो बड़ी काम की चीज़ है ना वो मैं आपको दिखाऊं, ये तो मैंने दराज से ऑर्डर किया था, बड़े काम की और कमाल की चीज़ है, मैंने ये 450 या 500 में लिया था, ऑनलाइन मैंने मंगवाया था ये दराज से, सो डिलीवरी चार्जेस भी लगे थे तो 500 का पड़ गया था मुझे। ये देखिए ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, लो मीडियम दोनों कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ ऑन ऑफ का बटन है, इसमें ये सेल लगते हैं, ये इसमें सेल लगते हैं,
इससे ये होता है कि आपको जो है ना हाथों को चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ये कि इसको ऑन करेंगे, अभी इसके सेल जो है वो वीक हो गए, इसको ऑन करेंगे तो ये ना रोटेट होना शुरू हो जाएगा, घूमना शुरू हो जाएगा और आप स्किन पे इजीली जो है ना वो ऐसे ऐसे करके जो है ना आप अच्छे से क्लेंजिंग कर सकते हैं, स्क्रबिंग कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें, ये तो इसका ब्रश दिखाया जस्ट मैंने आपको, इसमें जो है ये मसाजर है, ये भी रोटेट बॉल्स हैं इसमें ये लगी हुई हैं, ये रोटेट होती हैं, ये मसाजर है इसका। ये आप पाँव की जो एड़ियाँ जो फट जाती हैं उनके लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं ना। ये देखिए, ये जो आम तौर पे घरों में जो वो पत्थर जो होता है, मुझे तो नहीं पता उसे क्या कहते हैं, वो जो उसे घिसते हैं और ये वो, तो ये जो है वो पाँव की एड़ियाँ भी आप इसमें लगा के और ये रोटेट होकर आप इजीली साफ़ कर सकते हैं। ये है फॉर्म वाला स्पंज है ये, या आप मेकअप रिमूवर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मेकअप रिमूव करना हो आपको तो भी यूज़ कर सकते हैं आप ये मशीन। और ये सॉफ्ट स्पंज है, तो ये जो है बड़ी काम की चीज़ है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये, आप ये ले लीजिए, परचेस कर लीजिए और अपनी स्किन के मुताबिक और अपनी रेंज के मुताबिक आप अपनी स्किन प्रोडक्ट्स जो हैं वो घर में लेकर आ जाएं और आप वीकली 10 दिन में 15 दिन में ईजिली जो है वो अपने घर पर आप आराम से फैशन कर सकते हैं। महंगाई का दौर है, महंगाई इतनी हो गई है सो हर कोई जो है वो नहीं जा सकता पार्लर्स में ना, तो ना किसी को इतना कोई टाइम मिलता है, आजकल का दौर ही ऐसा है, तो ईज़िली आप घर पे कर लीजिए, आधे घंटे का काम होता है, आधे से पौन घंटे में आप जो है ईज़िली जो है अपना फैशल खुद ही घर पर कर सकते हैं। ये बड़ी काम की चीज़ है, चाहे तो आप दराज से मंगाएं, चाहे तो आप मार्केट्स में अवेलेबल हैं और भी दूसरे ब्रांड्स, तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो दराज से ये है कि ईज़िली आप कोई भी चीज़ पसंद करके मंगवा सकते हैं। और ये हैं कॉटन बॉल्स, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ ना, ये भी बड़ी काम की चीज़ है ना, ये जो अक्सर जो है ना मैं फेशियल वगैरह में भी ये यूज़ करती हूँ, स्पंज वगैरह यूज़ नहीं कर सकती, ये कॉटन बॉल्स होती हैं ना, ये खुल भी जाती हैं ये। सो ये कॉटन बॉल्स जो है आप फेशियल वगैरह में क्लेंजिंग आपको रब करनी हो, स्क्रब रब करना हो तो ईज़िली इनसे रब कर सकते हैं, और मेकअप वगैरह जो है, मैं मेकअप भी इसी से साफ़ करती हूँ तो मेकअप वगैरह भी जो है वो हम इजीली इससे साफ़ कर सकते हैं। ये मैंने लिया था 100 रुपीज़ का और 100 ही इसमें ये बॉल्स थी, अब तो खैर काफ़ी थोड़ी रह गई हैं, अभी भी आई थिंक 100 का ही मिलता होगा। तो मैंने आपको ये दिखाई अपनी सारी प्रोडक्ट्स, यकीनन आपको पसंद आई होंगी, अगर पसंद आई हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये चीज़ें कैसी लगी। कोई महंगी चीज़ें नहीं है, रीज़नेबल प्राइस हैं इनके, ईज़िली आप लोग ले सकते हैं, हर कोई ले सकता है इनको। तो अगर वीडियो पसंद आए मेरी तो लाइक भी कर दीजिएगा, मुझे वीडियो पसंद आए मेरी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।